पद जो है एक ही होना चाहिए, कोई माइनस प्लस का साइन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको जो है स्वघात वाला को ऐसे y ले लेते हैं और इसको 100 ले लेते हैं। इसमें अगर दो पद कहता तो इसमें भी हम प्लस का 1 कर लेते। तो हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। तो स्वागत है सबको मेरे चैनल में, कक्षा 9 क्लास मैथ, कक्षा 9 सब्जेक्ट जो है मैथ। और इसमें जो है 2.1 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2.1। और 2.1 का जितने भी वीडियो हैं सारा जो है आप लोग को मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है मैं कक्षा 9 का मैथ बहुपद चैप्टर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रही हूँ, ठीक है। जिसमें अभी बहुपद चल ही रहा है, तो बहुपद क्या होते हैं, पद कैसे बनता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये सब जो है हम पहले ही सीख चुके हैं। इसमें 2.1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें अभी 3 और 4 कराएंगे। बाकी 5वां क्वेश्चन को मैं देखूंगी कि इसमें डालूं या ना डालूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा अच्छा भी नहीं होता है और आप लोग को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन समझने से पहले, जो भी बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे, ठीक है। जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना भी मैथ का क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कराया जा रहा है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आप लोगों को और उसका सॉल्यूशन भी। देखिए, ये बहुपद है, हम पहले ही बता चुके हैं बहुपद चैप्टर क्या कह रहा है, 35 घात के 2 घात क्या है, 35 घात के 2 पद का और 100 घात का। घात किस, घात मीन्स होता क्या है, अरे चर के, चर अचर हम पढ़े थे ना, चर के पावर को घात कहते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर के पावर को घात कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 35 घात के 2 पद, कितना पद, 2 पद होना चाहिए और 100 घात का 1 पद होना चाहिए। 35 वाला का 2 पद होना चाहिए और 100 वाला का 1 पद होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ चुका है का, एक एक ही उदाहरण देना, कई सारा नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है 35 घात का, चर कब बनता है, जब चर एक्स वाई और नंबर मिल कर के जब माइनस प्लस होते हैं उसके बीच के संख्या को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो हम मान लीजिए ये कह रहा है 35 का घात भी होना चाहिए और वो 2 पद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर x की घात अगर 35 करते और यहाँ पर अगर हम प्लस लगाते हैं, प्लस लगा यहाँ तक तो एक पद तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक पद बन चुका है, 35 घात भी होना चाहिए। अब 2 पद बनाने के लिए कोई और नंबर नहीं है तो चलिए हम 1 डाल देते, आप लोग भी 1 डाल दीजिएगा। x और यानी कि चर अचर के बीच माइनस प्लस आए तो पद बनता है, समझ में आ गया होगा। तो माइनस प्लस के बीच यानी चर और अचर के बीच कोई माइनस प्लस का साइन होता है तो पद बनता है। तो ये 1 पद और ये 2 पद 35 घात का 2 घात पद बन चुका है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब दूसरा जो है ये 6 का ये क्या है, 100 यानी 100 घात का 1 पद, 100 घात होना चाहिए और पद 1 होना चाहिए, घात पावर में 100 होना चाहिए और जो पद जो है एक ही होना चाहिए, कोई माइनस प्लस का साइन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको जो है 100 घात वाला को ऐसे y ले लेते हैं और इसको 100 ले लेते हैं। इसमें अगर दो पद कहता तो इसमें भी हम प्लस का 1 कर लेते, तो x चर और अचर के बीच के संख्या को पद होता, लेकिन कह रहा है एक ही पद होना चाहिए, क्या कह रहा है, एक पद होना चाहिए। तो एक पद होने के लिए हमने बस इसको क्लियर कर लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, कितना आसानी है ऐसा ही क्वेश्चन बच्चा ढूंढता बनाने के लिए, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश बहुपद चैप्टर से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने और आप मिलकर के क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात पावर, घात मीन्स पावर लिखिए। अरे कितना आसान आसान क्वेश्चन है और बच्चा लोग घबरा करके पसीना निकाल देता है। देखिए करना क्या है, घातों को लिखना है, घात कितना है, सबसे अधिकतम घात कितना वही लिखना है। तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा कौन है। कितना आसान हो गया है ना आप लोगों को मेरी वजह से ये क्वेश्चन। देखिए मैं ज़्यादा बच्चों को उलझाती नहीं हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट फोकस करवाती क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे। ऊपर क्वेश्चन कह रहा है घात को लिखिए, तो घात तो दिख ही रहा है कि तीन है दो है, तो सबसे अधिकतम घात को लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, ऊपर ले जाती हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि नीचे थोड़ा दिक्कत होता है मुझे भी। क्वेश्चन यहाँ है, मैं इसको ऊपर लेके आ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का कह रहा है घात लिखने के लिए, तो आप लोग घबरा जाते हैं, घात लिखिए, क्वेश्चन कह रहा है इसका घात लिखिए, लिखे पेपर में ऐसे देगा, आप लोग को घबराना नहीं है, इतना सारा हेडिंग नहीं देगा, सिर्फ ऐसे हेडिंग देगा। तो आप लोग कहते हैं कुछ अलग दे दिया, कुछ अलग नहीं देता है, वो इजी करके देते हैं, मुश्किल आप लोगों को लगता है समझने की वजह से। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं, 5x³ + 4x² + 7x = इसमें सबसे अधिकतम घात 5x³ है, यानी कि सबसे बड़ा तो यही है ना, यानी कि सबसे बड़ा यही है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका सबसे अधिकतम घात क्या लिखेंगे, इसमें सबसे अधिकतम घात, अधिकतम सिर्फ लिख देते हैं, अधिकतम घात बताइए कितना है, पावर में जो है उसी को घात बोलते हैं, बराबर 3 है। और जिस अधिकतम घात 3 हो गया, पावर जिसका सबसे बड़ा है उसी को लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दूसरा में। अब हमको आप ही लोग बताइए इसका अधिकतम घात क्या है, सिर्फ 2 है, तो y² का अधिकतम घात 2 होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है यहीं पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो उसके लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4 - y², इसमें y² का अधिकतम घात 2 है, y² का अधिकतम घात, अधिकतम घात बराबर 2 है। देखिए कितना इजी है ना, बहुत आसान है, और कुछ बच्चे को भी सिर्फ समझने के वजह से नहीं बना पाते। तो ये क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभी मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो इसमें जो 5t जो है इसमें तो घात है ही नहीं, क्या है, घात है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ नहीं होता है तो हम पहले ही बताए थे कि power 1 लगा दिया जाता है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। जब हम घात बनाने के लिए चलते हैं, जब कोई पावर नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने मन से 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है 5t - √7। ठीक है, तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, -7 = इसका अधिकतम घात 1 है, इसका अधिकतम घात 1 है। कितना आसान है ये सब। अब 3 में तो कोई घात ही नहीं है,
हम थ्री को सिर्फ थ्री ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जो ये क्वेश्चन नंबर फोर है ना, कोई तरह का ना ये पद है ना ये कोई घात है, क्योंकि इसमें ना चर है ना अचर है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसका केवल पद जो है तीन है। क्या लिखेंगे? इसका केवल पद जो है तीन है, और जो है हम इसको तीन एक्स लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का? सिर्फ तीन दे दिया है और इसका कह रहा है घात लिखने के लिए, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें जो है, इसमें जो है क्या लिखेंगे, इसका केवल केवल इसमें केवल एक पद है, एक पद है, तीन है, ठीक है। और हम इसे थ्री एक्स लिख सकते हैं, थ्री एक्स लिख सकते हैं। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन यानी कि तीसरा और चौथा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कोई भी तरह का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का इसमें दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है, तो आप हमसे कमेंट्स के जरिए जुड़ करके हमसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो हमेशा मैं रिप्लाई के लिए रेडी रहती हूँ आप लोग के लिए। इसका जो है क्वेश्चन नंबर पाँच जो लास्ट है 2.1 का, वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होइएगा तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। न्यू सिलेबस है आप लोगों को, अभी जो नाइन्थ क्लास में बच्चे गए हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। मैथ्स है तो सबसे ज़्यादा बच्चों को मैथ में ही दिक्कत होती है, इसलिए हमने आप लोगों के बीच में मैथ लेकर के आए हैं, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को यहीं कर रही हूँ स्टॉप, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।